दोस्तों 2019 के पद्मश्री सम्मान के समय एक अनोखी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। राष्ट्रपति भवन के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस वीडियो में एक वृद्ध महिला अवार्ड लेते समय माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के माथे पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे रही है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग इंटरनेट पर इनके बारे में पता लगाने लगे। ढूंढने पर पता चला कि इनका नाम है शालू मर्दा थिमक्का। तो चलिए जानते हैं शालू मर्दा थिमक्का के बारे में, जिन्हें वृक्ष माता यानी कि मदर ऑफ ट्रीज के नाम से जाना जाता है, जो सच में एक पर्यावरण रक्षक हैं। और ये हमें सिखाती हैं कि देश की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि आपसे कोई पूछे कि आपने अपने जीवन में कितने पेड़ लगाए हैं, तो हो सकता है आप कहेंगे 2, 5, 10 या 50। लेकिन शालू मर्दा थिमक्का ने अपने जीवन में 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिनमें से 385 पेड़ अकेले बरगद के हैं। ये सभी पेड़ हुलिकल और कुदूर के बीच हाईवे के दोनों ओर 4 किलोमीटर के क्षेत्र में लगाए गए हैं। इनके द्वारा लगाए गए ये सभी पेड़ आज फल और वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं। आजकल तो ऐसे विशेष प्रजाति के लोग पाए जाते हैं जो सोशल मीडिया पर केवल ज्ञान देते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए ये लोग ट्वीट करते हैं, एसी रूम में बैठकर भाषण देते हैं और देश विदेश में घूमते हैं। पर्यावरण को बचाने की जितनी बात ये लोग सोशल मीडिया पर करते हैं, उतना काम अगर ये ग्राउंड पर करते तो आज पृथ्वी की ऐसी हालत होती ही नहीं। इन लोगों को आप सोशल मीडिया के पर्यावरण रक्षक कह सकते हैं। शालू मर्दा थिमक्का का जन्म कर्नाटक के तुमकुर जिले के गुब्बी गांव में हुआ। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए आर्थिक सहयोग के लिए इन्हें मजदूर के रूप में काम भी करना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। इनके बचपन का नाम थिमक्का था और बाद में इनके नाम के साथ शालू मर्दा जोड़ दिया गया। ऐसा क्यों किया गया ये आपको आगे पता चलेगा। लगभग 20 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर्नाटक के रामनगर जिले के हुलकल गांव के निवासी बिकालू चिकैया से हुआ। इनके पति भी पढ़े लिखे नहीं थे और आर्थिक रूप से कमजोर थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी इन्हें कोई संतान नहीं हुई। बाद में थिमक्का को पता चला कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद थिमक्का बहुत दुखी रहने लगी। इस बात से वो इतनी दुखी हुई कि उन्होंने आत्महत्या करने का मन बना लिया। तब इनके पति ने इन्हें पौधों को ही अपनी संतान मानने की सलाह दी और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। फिर क्या था, थिमक्का ने पौधों को ही अपनी संतान मान लिया और अपना संपूर्ण जीवन पेड़ों को लगाने और उनकी देखरेख में बिताया। इनके गांव के पास बरगद के पुराने पेड़ थे। इन पेड़ों से थिमक्का और उनके पति ने नए पौधे तैयार किए। पहले वर्ष में 10 पौधे लगाए, दूसरे वर्ष में 15 पौधे और तीसरे वर्ष में बरगद के 20 पौधे लगाए। प्रतिदिन थिमक्का और चिकैया खेतों में काम करने के लिए जाते थे और दोपहर के बाद सड़क के किनारे पेड़ लगाते थे। ये पौधों को मानसून के समय लगाते थे ताकि इनकी सिंचाई के लिए अधिक संघर्ष ना करना पड़े और पौधों को बढ़ने के लिए पर्याप्त वर्षा जल उपलब्ध हो सके। मानसून के बाद भी ये दोनों हफ्ते में 1 या 2 बार पौधों को पानी दिया करते थे। चिकैया बांस के मजबूत डंडे के दोनों छोरों पर पानी के 2 विशाल बर्तन बांधकर अपने कंधों पर रखकर 4 किलोमीटर दूर लगे पेड़ों की सिंचाई करते थे। साथ में थिमक्का भी एक घड़ा कमर पर और एक घड़ा सिर पर रखकर उनके साथ चल पड़ती थी। इस तरह लगभग 30 वर्षों में 300 से अधिक बरगद के पेड़ और अन्य प्रजातियों के 8000 से अधिक पेड़ तैयार हो गए। अब इन पेड़ों की देखभाल कर्नाटक सरकार करती है। कन्नड़ भाषा में मारा का अर्थ होता है पेड़ और शालू मरादा का अर्थ होता है पेड़ों की पंक्ति। थिमक्का द्वारा इतने हजार पेड़ लगाने के कारण इनके नाम के साथ शालू मर्दा एक उपाधि की तरह जोड़ दिया गया। वर्ष 1991 में शालू मर्दा के पति की मृत्यु हो गई, लेकिन पति की मृत्यु के बाद भी पेड़ों का रोपण बंद नहीं हुआ। शालू मर्दा की आयु 109 वर्ष से अधिक है, लेकिन अभी भी वो प्रकृति की सेवा कर रही है। कोई फॉर्मल एजुकेशन ना होने के बाद भी इन्होंने हमारी पृथ्वी को वो उपहार दिया है जो आज कल के पढ़े लिखे पोस्टर एक्टिविस्ट नहीं दे सकते। शालू मर्दा के योगदान के कारण इन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। अमेरिका की एक पर्यावरण संस्था का नाम भी इनके नाम पर रखा गया है। इतनी उपलब्धियों के बाद भी ये अभी भी पहले की तरह साधारण जीवन जी रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। एसी रूम में बैठकर हाउ डेयर यू बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्राउंड पर मेहनत करनी पड़ती है, शालू मर्दा थिमक्का की तरह। इसलिए हमें यानी कि भारत के लोगों को इंस्पिरेशन लेने के लिए विदेशियों की जरूरत नहीं है, पर्यावरण को बचाने के केस में तो बिल्कुल नहीं। शालू मर्दा थिमक्का जैसे सैकड़ों लोग हैं जो अपने बल पर प्रकृति को बचाने के काम में जुटे हुए हैं एंड दे आर द ट्रू इंस्पिरेशंस। तो दोस्तों आज
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। भारत माता की जय।